दोस्तों आज मैं दूध को फटने से बचाने का 5 उपाय बताने वाले हैं, जिसके द्वारा आप दूध को फटने से बचा सकते हैं। दोस्तों बता दें कि ये घटना अक्सर गर्मियों के दिनों में ही देखने को मिलता है, तो आप निश्चित रहिए वीडियो के अंत तक वॉच कीजिए। लेकिन हाँ, वीडियो को शुरू करने से पहले चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि न्यू वीडियो का आने वाला नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके मोबाइल में जाएगा। तो देर किस बात की, वीडियो को शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, मैं हूं नीरज, हिंदी कुकिंग बिहार में आपका स्वागत। दोस्तों दूध को फटने से बचाने का पहला उपाय ये रहा। दोस्तों दूध को बाजार से लाने के बाद 3 से 4 बार गर्म कर लें। इससे होता क्या है कि एक बार दूध को गर्म कर लेने से 3 से 4 घंटा के लिए सुरक्षित रहता है। इसी प्रकार से 24 घंटा में 3 से 4 बार गर्म कर लेने से 24 घंटे के लिए दूध सुरक्षित रहता है और दूध फटने से बचा रहता है। तो चलिए दोस्तों दूसरा उपाय की ओर चलते हैं। दूसरा उपाय ये है कि दूध को बाजार से लाने के बाद दूध को सबसे पहले अच्छे तरीके से गर्म कर लें। दूध को गर्म कर लेने के बाद फ्रिज में दूध को डाल दें। फ्रिज में डाल देने से होता क्या है कि दूध जो है पूरी तरीके से ठंडा हो जाता है, जिसके कारण दूध नहीं फटता है और दूध फटने से बचा रहता है। तो चलिए दोस्तों चलते हैं तीसरा उपाय की ओर। तो तीसरा उपाय यह है कि दोस्तों दूध को बाजार से लाने के बाद दूध को सबसे पहले अच्छी तरीके से गर्म कर लें। गर्म कर लेने के बाद दूध को उस स्थान पर रखें जहां का टेम्परेचर रूम का टेम्परेचर से कम हो। मेरा मतलब जिस रूम में एसी लगा हो। एसी वाले कमरे में दूध को रखने से होता क्या है, दूध पूरी तरीके से ठंडा हो जाता है और दूध फटने से बचा रहता है। दोस्तों आपके मन में एक प्रश्न उठता होगा कि दूध फटता कैसे है? होता क्या है कि जब तक दूध गर्म रहता है तब तक तो दूध सही रहता है, लेकिन जैसे ही दूध ठंडा होता है दूध फटने लगता है। इसका कारण ये है कि दूध रूम के टेम्परेचर पर चला आता है तो उसमें बैक्टीरिया कीटाणु उत्पन्न होने लगता है, जिसके कारण दूध गर्म करने पर फटने लगता है। इसी से बचने के लिए दूध को सबसे ज्यादा गर्म कर लेते हैं या फिर दूध को सबसे ज्यादा ठंडा कर लेते हैं। इससे होता क्या है कि दूध नहीं फटता है, क्योंकि उसमें ना कीटाणु उत्पन्न होता है और ना बैक्टीरिया, तो दूध फटने से बचा रहता है। तो चलिए दोस्तों चलते हैं चौथा उपाय की ओर। अक्सर होता क्या है कि दूध को बाजार से लाने के बाद दूध को गर्म करना भूल जाते हैं, तो लेकिन आपके मन में डर होता है कि दूध को गर्म करेंगे तो फट जाएगा। तो मैं बताता हूँ कि दूध को गर्म करने से पहले दूध में थोड़ा सा, 1 kg दूध है तो लगभग 2 से 3 ग्राम इसमें सोडा डाल दें। सोडा डाल देने से होता क्या है कि दूध फटने से बचा रहता है, क्योंकि उसमें कीटाणु बैक्टीरिया को मार देता है और दूध फटने से बचा रहता है। तो चलिए दोस्तों चलते हैं पांचवा उपाय की ओर। पांचवा उपाय ये है कि बाजार से दूध को लाने के बाद दूध को अच्छी तरीके से गर्म कर लें। दूध को गर्म कर लेने के बाद बर्फ के टुकड़ों के बीचों बीच दूध को डाल दें। दूध को डाल देने से होता क्या है, दूध पूरी तरीके से ठंडा हो जाता है और दूध फटने से बचा रहता है। दोस्तों आपको कमेंट करना ये है कि 5 उपाय में से सबसे अच्छा उपाय कौन सा लगा, कमेंट कर जरूर बताएं। और हाँ, आपके मन में कोई भी रेसिपी बनवाना हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। वीडियो पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन घंटी को प्रेस कर दें, क्योंकि न्यू वीडियो का आने वाला नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके मोबाइल में जाएगा। तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। आज के लिए बस यहीं तक।